हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पुरानी कैब को रिनोवेट करके हुडेड कैब बनाना बताऊंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हुडेड कैब बनाना। देखिए, एक शॉल जो मैंने पुरानी शॉल को थोड़ा सा 100 ग्राम ऊन लेके रिनोवेट किया और इसकी साइज़ को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, इसे हम एक हुडेड कैब में अटैच करेंगे। कैप हमने बहुत पहले बना रखी थी, पहनते पहनते इसका मन उब गया था, तो थोड़ा सा मैंने इसे भी सोचा रिनोवेट कर लूं। तो देखिए, एक साइड मैंने इसके कंगूरा वाली डिज़ाइन बना ली हूं और इसका लिंक मैं दे दूंगी मैंने कैसे बनाया है। एक शॉल में भी बनाया है, सेम वही प्रोसीजर मैंने कैप में अपनाया है। और ये देखिए, एक साइड मैंने इसके पूरे कंगूरे बना लिए। अब आपको दूसरी साइड से हमें इसे अटैच करना है। मैं दिखा रही हूँ इस साइड से जहाँ मैंने कंगूरा नहीं बनाया है। तो हमें पहले क्या करना है, इसका बीचों बीच पोर्शन लेना है शॉल का और कैप का। देखिए, शॉल थी इसमें डिज़ाइन बन गया है, बीच का पोर्शन हमने बांध दिया है और इन दोनों चीज़ों को मैंने उल्टा कर दिया है। शॉल भी उल्टी है और हमारा कैप भी। अब देखिए, हम इसे फ्रंट से जोड़ना शुरू करेंगे। ऐसे खींच लीजिएगा, ये बीच वाला पोर्शन है, इसे आप किसी भी थ्रेड से थोड़ा सा अटैच कर दीजिएगा। ये यहाँ हो गया। अब हमें क्या करना है, इन वाले चेन्स में से और इसके जो सिंगल क्रोशिया है उसमें से हमें इस तरह से लूप निकालना है और सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए, ये हुआ हमारा और ये हुआ। इसे आप ध्यान रखिएगा, इसको अवॉइड करिएगा ये लूप, क्योंकि इससे नहीं तो ये अटैचमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। तो हमने लूप के बगल से एक चेन ले लिया, क्योंकि पहले से ही बना हुआ है लूप, तो फिर हमें ये एक सिंगल क्रोशिया की चेन हम छोड़ देंगे क्योंकि ज़्यादा बनी हुई है इसमें। और फिर ये वाली सिंगल क्रोशिया लेंगे और यहाँ से हम सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए एक से एक आप छोड़ भी दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने कर रखी है। तो आप चाहें तो हर में अटैच कीजिए एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए, या सुई धागे से इसे अटैच कर दीजिए। इस तरह से हम हर लूप में से लेंगे सिंगल क्रोशिया, पर जहां हमारे पास दो बार हमने सिंगल क्रोशिया लिया है वहाँ से आप सिर्फ एक ही बार लीजिएगा। ये इस तरह दो दो चार मैंने कर रखा है और एक बीच में पांचवा, तो आप सिर्फ दो ही लीजिएगा। इस तरह से लेते हुए हम इन्हें अटैच कर लेंगे और अटैच करके तब मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, अभी दिखा दे रहे हैं, हम इस थ्रेड को खींच दे रहे हैं। देखिए, अटैचमेंट कितना क्लियर हुआ। इसी तरह से हमको इसके अंदर अटैच करना है शॉल के, और ये हुडेड कैप को मैंने जोड़ दिया है। टोटल हमारा पूरा डिज़ाइन बनाने में 40 ग्राम ऊन ख़त्म हुआ है और इसको रिनोवेट करके हमने कैप और एक स्कार्फ को जोड़कर हुडेड कैप में कन्वर्ट कर दिया। जब ज़्यादा ठंड हो तो ऐसी कैप और उसके साथ मफलर की हमें ज़रूरत होती है, तो मैंने दोनों को रिनोवेट करके तैयार कर दिया। इसे हम इस तरह से सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा थ्रेड को काट लेंगे। देखिए, ये मैंने इस तरह से इन्हें ज्वाइंट कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत बनकर ये हमारी हुडेड कैप तैयार हुई है और इसे हम इस तरह से खींच लेंगे। और ये देखिए, मफलर के साथ हुडेड कैप तैयार है। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। बनाना बहुत ही ईजी है। एक कैप बनाइए, उसके बाद स्कार्फ बनाकर इसे ज्वाइन कर दीजिए और एक खूबसूरत सी हुडेड कैप तैयार हो गई है। अगर आपको हमारा ये हुडेड कैप बनाना पसंद आया हो या पुरानी कैप को रिनोवेट करना, मैंने हुडेड कैप तैयार कर दी है। अगर आपको ये कैप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।